स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हरमत और चित्रकूट की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर मानिकपुर से है। मानिकपुर तहसील के नगर का ये मामला है जहां पे झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम ये खबर उठाते रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो किसकी सह पर करते हैं। आखिर जो क्लिनिक खुले हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो कैसे इलाज गलत करते हैं और लोगों की मौत हो जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। और ये मामला एक बार फिर से आया है मानिकपुर से, जहाँ स्वास्थ्य महकमे की जो पोल है वो खुल गई है। फिलहाल ये मामला मऊ गुरदरी का है, जहाँ की महिला दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि इलाज कराने आई थी, और जो रिजा क्लिनिक है उनके जो डॉक्टर हैं रिजा क्लिनिक के द्वारा इंजेक्शन लगाया गया डॉक्टर द्वारा, और बता रहे हैं कि 5 से 10 मिनट बाद झाग निकला महिला के मुख से और उसकी मौत हो गई। कितना बड़ा मामला है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ग्रामीण इलाकों से जो भी मरीज आता है वह झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाता है। लुटता तो है ही, साथ में उसे जान भी गंवानी पड़ती है। और ये पूरा मामला एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर किनकी सह पर जो अवैध क्लिनिक हैं, जो पूरे जनपद चित्रकूट में हैं, अस्पताल जो छोटे छोटे लोगों ने खोल रखे हैं, और रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराया जाता है, कैसे नहीं कराया जाता, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और गमों का जो पहाड़ है वो परिवार पर टूट पड़ा है। ये पूरा मामला जो है वो मानिकपुर के मऊ गुरदरी का है, जहाँ पे झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से महिला की मौत का मामला आ रहा है। मृतका आशा पत्नी राम सुशील तिवारी निवासी मऊ गुरदरी के परिजनों ने बताया कि आशा घुटनों के दर्द होने पर मानिकपुर के शिवनगर में स्थित रिजा क्लिनिक दवा कराने आई थी, और सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे जैसे ही डॉक्टर ने आशा देवी को इंजेक्शन लगाया, वैसे ही 5 मिनट बाद आशा देवी के मुख से झाग निकला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मामले की तहरीर मानिकपुर थाने में दी है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का मंगलवार को जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। अपडेट इसी खबर में अपडेट भी है हमारे पास। आज की अपडेट है, खबर के बाद आनंद फानंद में स्वास्थ्य महकमे ने जांच कमेटी बनाई है और जांच करने आज जानकारी के अनुसार इसी रिजा क्लिनिक में जो टीम है स्वास्थ्य महकमे की वो पहुंची है। जांच करने पहुंचे नोडल अधिकारी जीआर रतमेले और फार्मासिस्ट पंकज गोयल ने बताया कि क्लिनिक में कोई न मिलने से नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। डॉक्टर लतीफ बताए जा रहे हैं BUMS पद्धति के चिकित्सक है, जिनका पंजीकरण क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी बांदा में है अथवा नहीं है, इसकी जाँच करवाई जा रही है। जाँचोपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। थाना मानिकपुर अंतर्गत यह पूरा मामला है जो आ रहा है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य महकमा कैसी बड़ी कार्रवाई करता है। फिलहाल जान की कीमत क्या होती है यह पीड़ित परिवार ही जान रहा है। उन्होंने दवा दिया, पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाया, वो तो बता रहे हैं जो मोनोसेफ लगाए हैं, पता नहीं कैसे क्या किए। ये मतलब बांध इस पर 3 से 5 मिनट के अंदर बहन की वहीं पे तत्काल मतलब देख हो गई, मुंह से झाग आया, वहीं पे एक्सपायर हो गए। रिपोर्ट हाँ तहरीर दे दिया गया, वहाँ तहरीर दे दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये मौत हुई है, किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। डॉक्टर जी तो क्या चाहते हैं इसमें? हमें कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई। क्या नाम है? नीलेश दुबे। क्या नाम था मृतका का? आशा देवी। क्या हो गया? उन्हें कुछ नहीं, हल्का घुटनों में पेन था और मानिकपुर आई दवा के लिए मऊ गुरदरी से, तो स्वस्थ थी, घर से चल के आए तो वहाँ गई। वो लतीफ डॉक्टर है रीजा क्लिनिक के नाम से उनका क्लिनिक, तो वहीं पे जो है दवा करवाए, वो पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए हैं, वो तो बता रहे हैं कि मोनोसेफ लगाए, नस में दिए इंजेक्शन, वहीं तत्काल 3 से 5 मिनट के अंदर जो है वहीं पे तत्काल ही उनकी डेथ हो गई। कितने बजे? ये करीब 1:30-2 बजे की घटना है। मऊ गुरदरी राम सुशील तिवारी जी, तहरीर नीलेश दुबे, कौन सी बहन की?